नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ, और जन्माष्टमी की ढेरों बधाइयाँ आपको, बहुत सारी शुभकामनाएं। और चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस सफर को। हालांकि पूरे देश भर पे कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची, हर तरफ उमंग, तरंग और भक्ति देखने को मिली, लेकिन सियासत अपने ही रंग में ढलती रही, चलती रही। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान के काफिले पर हुए हमले को लेकर वहां सियासी बवाल बहुत तेज है। किसने करवाया हमला, क्यों करवाया हमला, इसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इधर कांग्रेस पर शिवराज सिंह चौहान ने गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या है आरोप, आपको हम दिखाएंगे आज देश की बात में। कर्नाटक में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी के दावों से उलट नतीजे कांग्रेस के लिए बेहतर कैसे साबित हुए हैं, ये भी देखेंगे। और कर्नाटक और मध्य प्रदेश, इन तमाम राज्यों के अलावा हम उत्तर प्रदेश की भी बात करेंगे, जहां राज्य के 8% यादवों को लुभाने के लिए बीजेपी एक बड़ी योजना पर काम कर रही है। योजना कितनी कारगर होगी, इसे आंकने की, इसे समझने की कोशिश हम करेंगे। पड़ोसी राज्य बिहार में एनडीए के घटक दलों के बीच लोकसभा चुनाव के सीटों के बंटवारे का मामला कैसे पेचीदा होता जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा पूरे देश को प्रभावित करने वाली हमारी अर्थव्यवस्था के बिगड़ने के पीछे कौन है, नीति आयोग ने किसे जिम्मेदार ठहराया है, इसको भी हम आपके सामने रखेंगे। हालांकि नीति आयोग की ये बात बेबुनियाद कही जा रही है। उधर कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया है, और पिछले लगातार कई घंटों से सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जल्द ही सुरक्षा बल तमाम आतंकवादियों को पकड़कर और सामने लेकर आएंगे, और कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होगी, इसी की पूरी कवायद चल रही है। विकास दर में जो गिरावट आई है, उसकी बात एक बार फिर से नीति आयोग ने की है, और रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को जिम्मेदार ठहराया है। नीति आयोग के इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। उधर देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से जनता के बीच कैसे त्राही त्राही मची है, ये भी दिखाएंगे। भारत और अमेरिका के बीच 6 सितंबर को होने वाली 2+2 बैठक में रूस के साथ हो रही S-400 मिसाइल डील का मुद्दा क्यों संवेदनशील हो सकता है, ये बताएंगे आपको। और भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन सहित पूरे देश में आज कृष्ण जन्माष्टमी किस तरह से मनाई जा रही है, ये भी दिखाएंगे। वो तमाम नज़ारे आपके सामने होंगे। इसके अलावा खबर अच्छी है, मैं आज उत्तराखंड के हरिद्वार की एक अच्छी खबर आपके सामने रखेंगे। और आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व को याद करते हुए कृष्ण को बॉलीवुड ने कैसे हमेशा याद किया है, ये आपके सामने रखेंगे चलते चलते में। चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफर को। मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान अपने काफिले पर हुए हमले को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाया है। सीएम शिवराज सिंह ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में संभावित हार देखकर कांग्रेस उनके खून की प्यासी हो गई है। शिवराज ने कहा कि लोकतंत्र में विचारों का संघर्ष चलता है, अलग अलग दल अपने अपने कार्यक्रम करते रहते हैं, लेकिन इस तरह की घटना कभी नहीं हुई। शिवराज सिंह चौहान ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से पूछा है कि आखिर वो कांग्रेस को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। यात्रा पर पथराव करने के आरोप में पकड़े गए लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान चोरहट में उनके काफिले पर हुए हमले को लेकर सियासी बवाल मचा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जब उनके रथ पर पथराव शुरू हो गया। हालांकि पुलिस ने तुरंत मामले पर काबू पा लिया। हमले के आरोप में पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया, सभी को कांग्रेस के कार्यकर्ता बताया जा रहा है। बीजेपी ने पत्थरबाजी का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया। इस तरह के हमले लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है, मध्य प्रदेश के लिए शुभ नहीं है, कांग्रेस के लिए भी शुभ नहीं है। मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल जी और प्रदेश के अध्यक्ष कमलनाथ जी से भी कहना चाहता हूं, वो किस दिशा में कांग्रेस को ले जाना चाहते हैं, क्या जो उनके नेता और कार्यकर्ता कर रहे हैं ये उचित है, मुझे भाई किंचित नहीं है। मैं तो जनता के लिए जीने वाला हूं, मर जाऊंगा तो फिर से जन्म लेके आऊंगा और फिर लोगों की सेवा करूंगा।
बीजेपी ने इस पूरे मामले को गहरी साजिश बताते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की हत्या की साजिश करार दिया। सरकार ने कहा कि घटना में शामिल किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस ने पूरे मामले पर बयान दिया, कहा लोग बीजेपी के कुशासन से उब चुके हैं और सरकार के प्रति लोगों का गुस्सा सामने आ रहा है। बीजेपी ने बयान को आगामी विधानसभा चुनाव में हार के डर से कांग्रेस की बौखलाहट करार दिया। हमारे क्षेत्र में तो मैं हैरान था कि उनके आने के 3 घंटे पहले वहाँ के जितने प्रमुख हमारे कार्यकर्ता थे, नगर पंचायत अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान, सबको पुलिस उठा ले गई। क्या डर था उनको? और उसके बाद भी लोगों ने झंडे दिखाए चुरहट में, उससे साफ है कि लोग आक्रोशित हैं। अब इसकी तो अध्ययन शिवराज को करना चाहिए कि क्या कारण है। देखिए, कांग्रेस के लोग मर्यादा तोड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री यात्रा पे निकले हैं, आपको लड़ाई लड़नी है तो लोकतांत्रिक तरीके से लड़िए। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता भेष बदल के जाके पत्थरबाजी करेंगे, ये कहीं से भी स्वीकार नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा रविवार को सीधी जिले के चुरहट में थी, जहां कुछ लोगों ने सीएम शिवराज के रथ पर हमला कर दिया और पत्थरबाजी की। इसके साथ ही शिवराज को काले झंडे भी दिखाए गए। हमले में सीएम शिवराज की बस का शीशा भी टूट गया। हालांकि सीएम को इस हमले में किसी तरह की चोट नहीं आई। रिपोर्ट एपीएल। और इसी तरह की मिलती जुलती घटना राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की राजस्थान गौरव यात्रा में भी घट चुकी है। एक बार उन्हें पत्थरबाजी का सामना करना पड़ा था, जबकि एक जगह काले झंडे दिखाए गए थे। उधर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दावेदारों के सामने कांग्रेस ने अनोखी शर्त रखी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा जारी सर्कुलर के मुताबिक जो भी उम्मीदवार टिकट चाहता है उसे फेसबुक पर कम से कम 15,000 लाइक्स और ट्विटर पर 5,000 फॉलोअर्स दिखाने ही होंगे। इसके अलावा भी उम्मीदवारों के सामने कई शर्तें रखी गई हैं। कांग्रेस ने टिकट के दावेदारों से साफ कह दिया है कि सिर्फ गली गली की खाक छानने से काम नहीं चलेगा। टिकट पाना है तो सोशल मीडिया फ्रेंडली होना भी एक योग्यता मानी जाएगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने टिकट पाने के इच्छुक लोगों को खत लिखा है और आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी के लिए कुछ शर्तें रखी हैं। कांग्रेस ने कहा है कि जो नेता टिकट की चाहत रखते हैं उनके कम से कम 15,000 फेसबुक लाइक्स होने चाहिए। ट्विटर पर भी फॉलोअर्स की संख्या कम से कम 5,000 जरूर हो। इसके अलावा टिकट दावेदारी के लिए जरूरी है कि बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बना हो और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ट्विटर अकाउंट की हर पोस्ट को लाइक और रीट्वीट करना भी जरूरी होगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने टिकट पाने के इच्छुक लोगों से 15 सितंबर तक ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप की जानकारी सोशल मीडिया और आईटी विभाग में उपलब्ध कराने को कहा है। कांग्रेस मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जहां सोशल मीडिया पर इस पर ज्यादा जोर दे रही है, तो वहीं खबरों के मुताबिक बीजेपी ने मठ मंदिरों और साधु संन्यासियों की जानकारी जुटाना शुरू किया है। इसे विधानसभा चुनाव की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि पार्टी इस जानकारी का इस्तेमाल किस रूप में करेगी ये साफ नहीं है। रिपोर्ट एपीएन। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले तीन प्रमुख बड़े राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ये तीनों राज्य राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। तीनों ही जगहों पर बीजेपी की सरकार है, लिहाजा इन चुनावों को लोकसभा चुनाव की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि इनके नतीजों का सीधा असर 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर होगा। इन तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव दिसंबर में संभावित हैं। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद से राहुल गांधी के नाम अब तक कोई बड़ी चुनावी सफलता नहीं है, इसलिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ और भी ज्यादा अहम हो जाते हैं। इनमें से किसी भी राज्य की जीत को राहुल गांधी के नेतृत्व की विजय माना जाएगा। इससे कांग्रेस पार्टी में राहुल का नेतृत्व स्थापित होगा और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पूरे जोश और खरोश के साथ उतर सकेगी। तीनों ही राज्यों में सत्ता बचाने की चुनौती बीजेपी के सामने है और कांग्रेस के पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लिहाजा पार्टी को इस बार तीनों राज्यों में अपने लिए अवसर नजर आ रहा है। दूसरी ओर बीजेपी के सामने जहां सत्ता बचाने की चुनौती है, तो वहीं ये भी साबित करना है कि ना तो मोदी की लहर कम हुई और ना ही शिवराज, वसुंधरा और रमन सिंह का रुतबा। हालांकि इस बार उसके लिए राह पहले जैसी आसान नहीं है। रणनीति के तहत कांग्रेस ने काफी व्यापक परिवर्तन भी किए हैं।
मध्य प्रदेश में जहां दिग्गज कमलनाथ को कमान सौंपी गई है, तो वहीं चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह राजस्थान में भी सचिन पायलट जैसे युवा नेतृत्व के हाथों में जिम्मेदारी सौंपी गई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी 15 साल पूरे करने वाली है और उतने ही सालों से कांग्रेस सत्ता से दूर है, लिहाजा शासन सत्ता पाने की उसकी छटपटाहट समझी जा सकती है। तीनों ही राज्यों में बीजेपी को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ेगा, साथ ही जनता के सामने किए गए कामों का ब्यौरा देना होगा। इसके अलावा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महिला सुरक्षा समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें भुनाकर कांग्रेस को लगता है कि वो इस बार बीजेपी को मात दे सकती है। मध्य प्रदेश में चुनावी हवा बहने लगी है। साल के आखिर में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्ष के हमले बढ़ गए हैं तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अपनी आशीर्वाद यात्रा में रोजाना नए नए ऐलान कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। कर्नाटक निकाय चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए एक उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे हैं। नतीजों से पहले कर्नाटक बीजेपी ने बड़ी जीत का दावा किया था, लेकिन नतीजे आने के बाद पार्टी पिछड़ गई और कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। वैसे बीजेपी के लिए संतोष करने की बात ये रही कि पिछली बार के मुकाबले उसका प्रदर्शन बेहद बेहतर रहा है। 105 शहरी निकायों के लिए 31 अगस्त को मतदान हुआ था। कर्नाटक में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी के दावों से उलट नतीजे कांग्रेस के लिए बेहतर साबित हुए। 2662 सीटों में कांग्रेस को 982 पर जीत मिली, जबकि 929 सीटों के साथ बीजेपी को दूसरा स्थान मिला। कांग्रेस के साथ राज्य में सरकार चला रही जेडीएस के खाते में 375 सीटें आईं, जबकि 329 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में गई। स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस और जेडीएस अलग अलग लड़े थे। हालांकि नतीजों के बाद पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस मुखिया एचडी देवेगौड़ा ने कहा कि बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस और जेडीएस एक साथ आएंगे। इससे पहले साल 2013 में 4,976 सीटों के लिए चुनाव हुए थे, तब कांग्रेस ने 1,960 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि जेडीएस और बीजेपी को बराबर बराबर 905-905 सीटें मिली थी। चुनाव नतीजों के बीच टुमकुर से बड़ी खबर आई। कांग्रेस उम्मीदवार के विजय जुलूस में अज्ञात हमलावरों ने तेजाब फेंक दिया, जिसमें 8 लोग घायल हो गए। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि गठबंधन सरकार की छलबल के कारण पार्टी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करेगी। येदियुरप्पा ने चुनाव से पहले 50-60% सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया था। These election results is not indication of future elections, particularly Lok Sabha elections. Lok Sabha elections are fought on a different note and issues, and in these elections, BJP is going to win with a thumping majority. कर्नाटक में 105 शहरी स्थानीय निकायों के लिए 31 अगस्त को 67.5% मतदान हुआ था। शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में मतदाताओं की संख्या 36 लाख है। शहरी निकाय चुनाव में कुल 8,340 उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें कांग्रेस के 2,306, बीजेपी के 2,203 और जेडीएस के 1,397 उम्मीदवार थे। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मूल वोट बैंक में बीजेपी ने सेंधमारी के लिए खास प्लान बनाया है। पिछड़े वर्गों के तमाम जातियों के जातिवार सम्मेलन के बाद अब 15 सितंबर को बीजेपी यादव कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करने जा रही है। ये माना जा रहा है कि बीजेपी इस कार्यक्रम के बहाने यादव समुदाय के लोगों को अपने करीब लाना चाहती है और उनके दिल को जीतना चाहती है। इसे अखिलेश यादव के गढ़ में एक तरह से सेंधमारी भी कही जा सकती है। उत्तर प्रदेश में यादवों को लुभाने के लिए बीजेपी बूथ लेवल से लेकर प्रदेश स्तर तक के यादव जाति के कार्यकर्ताओं का लखनऊ में सम्मेलन कर रही है। यादव समुदाय पर सपा की मजबूत पकड़ होने के चलते बीजेपी को बेहद कम वोट मिलते रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में करीब 8% यादव वोट है और पिछड़ी जाति में इनकी हिस्सेदारी लगभग 20% है। 2014 का आम चुनाव हो या फिर 2017 का विधानसभा चुनाव, आंकड़ों को देखा जाए तो यादव मतदाताओं की बड़ी आबादी ने सपा को वोट किया था। बीजेपी या फिर बीएसपी को यादव जाति का बहुत कम फीसदी वोट मिलता रहा है।
लेकिन प्रदेश के बदलते समीकरण में बीजेपी अब यादव समुदाय के लोगों को लुभाने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की राहें जुदा हो चुकी हैं। सपा में साइडलाइन किए गए शिवपाल ने समाजवादी सेक्युलर मोर्चा बना लिया है और सभी 80 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की बात कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि यादव वोट के बंटवारे में वो अपने लिए जगह बना सकती है। यादवों को जोड़ने को लेकर बीजेपी ने हाल के दिनों में कई बड़े फैसले लिए हैं। एटा क्षेत्र के पुराने नेता हरनाथ यादव को बीजेपी ने हाल ही में राज्यसभा भेजा है, जबकि सुभाष यदुवंश को बीजेपी के युवाओं के सबसे बड़े संगठन भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। प्रदेश में पिछड़ी जातियों के सम्मेलन की जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य को दी गई है। ऐसे में मौर्य एक एक कर सभी जातियों के जातिवार सम्मेलन कर उन्हें पार्टी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी इन कोशिशों में कितना सफल हो पाते हैं ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट APN। पर महज जातीय समीकरण को साधने से ही बीजेपी की राह उत्तर प्रदेश में आसान नहीं हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर और कई ऐसी समस्याएं हैं जिसका जवाब बीजेपी को खुद देना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र में भी उसकी सरकार है और राज्य में भी उसकी सरकार है। उधर मॉब लिंचिंग का मसला भी एक अहम मसला है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद भी देश भर में मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। देश की सरकारें भीड़ को रोकने में नाकाम हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दिनों से मॉब लिंचिंग की कई घटनाएं सामने आई हैं। बलरामपुर में मॉब लिंचिंग की घटना से सरकार और प्रशासन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सरकार के दावे की दम निकलती हुई दिख रही है। आखिर किसने गोरक्षकों को गुंडागर्दी का लाइसेंस दिया है, ये बड़ा सवाल है। मॉब लिंचिंग यानी भीड़ का कानून। भीड़ कानून को अपने हाथ में लेकर खुद फैसला सुनाती है। भीड़ जो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर समझती है। अफवाह की आग में ना जाने कितने लोगों की बलि भीड़ ने चढ़ा दी है, कितने घर उजड़ गए। सुप्रीम कोर्ट से लेकर सरकारें सब सख्त हैं, उसके बाद भी देश में अफवाह से हो रही मौतों का सिलसिला जारी है। भीड़ के रूप में भेड़िए कानून को अपने हाथ में लेकर बेगुनाहों का लहू बहाते हैं और भीड़ की आड़ में बच भी जाते हैं। कथित गौरक्षक देश भर में कदर मचाए हुए हैं, माहौल में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन देखता ही रहता है। बलरामपुर के नंदनगर के अचानकपुर में अचानक वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। एक बुजुर्ग बीमार गाय को लेकर जा रहा था, तभी गांव वालों की नजर पड़ी और उसका मुंह काला कर सिर मुड़वा कर जंजीरों से बांध कर पूरे गांव में घुमाया गया। बुजुर्ग गिड़गिड़ाता रहा, वो कहता रहा कि वो गाय को जंगल में छोड़ने जा रहा है, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। हैवानियत की हदें तब पार हो गईं जब बुजुर्ग कैलाश को लोगों ने पानी भरे गड्ढे में ढकेल दिया। घायल कैलाश अस्पताल में इलाज करवा रहा है। वहीं भीड़ के भेड़ियों की दूसरी कहानी बलरामपुर के मथुरा बाजार की है, जहां लड़कियों से छेड़खानी का आरोप लगाकर एक 72 साल के बुजुर्ग की लोगों ने जमकर पिटाई की। बुजुर्ग पर लाठी डंडों की बरसात कर दी। भीड़ ने बुजुर्ग को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। गांव के प्रधान ने 100 नंबर पर सूचना दी, पुलिस पहुंची और अस्पताल ले गई। अस्पताल में भर्ती बुजुर्ग की लाश सड़क किनारे मिली। आखिर बुजुर्ग की लाश सड़क तक कैसे पहुंची? चल के नाए, जब इंतकाल हो गए तब गांव हल्ला भाया, तब सब लोग गए थे। उनको किसी ने चल के आते हुए नहीं देखा? फिर उन्होंने जो वाक्य बताया उसके हिसाब से तहरीर लेकर अभियोग पंजीकृत किया गया और उसी दिन इस घटना में शामिल जो लड़के थे सब उनकी गिरफ्तारी हुई। वहीं कानपुर के महाराजपुर इलाके की सरसौल पुलिस चौकी में पिटाई का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें थाने के अंदर एक युवक को कुछ लोग लाठी डंडों से पीट रहे हैं। पुलिस थाने में पुलिस वाले के सामने कुछ लोग कानून को हाथ में लेकर एक शख्स को पीट रहे हैं और पुलिस वाले कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आखिर कानून
कहा है। पुलिस चौकी में गुंडागर्दी को कोई रोकने वाला नहीं है। आखिर देश में कब तक भीड़ बेकाबू होकर कानून हाथ में लेगी, कब तक गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी होगी। बलरामपुर से सलीम सिद्दीकी के साथ, कानपुर से शिवा शर्मा, APN। उधर बिहार में 2019 के आम चुनाव से पहले NDA के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर माथापच्ची जारी है। 40 लोकसभा सीटों के बंटवारे के लिए चार दलों BJP, JDU, LJP और RLSP में सटीक फॉर्मूले पर मंथन हो रहा है और धीरे धीरे ये पूरा मामला और पेचीदा होता जा रहा है। सुलझने के बजाय ये उलझता ही जा रहा है। जुलाई 2017 में NDA में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाले JDU की वापसी ने बिहार में सीटों के बंटवारे का मामला बेहद चुनौतीपूर्ण बना दिया है। अब JDU को समायोजित करने के लिए BJP, LJP और RLSP को कुछ सीटें छोड़नी होंगी। खबर है कि BJP ने JDU को 12 सीटें देने की पेशकश की थी, जबकि 20 सीटों पर वो खुद चुनाव लड़ना चाहती है। LJP को 6, RLSP को 2 सीटें मिल सकती हैं। मौजूदा स्थिति में बिहार में BJP के 22 सांसद हैं, जबकि LJP के 7 और RLSP के 4 सांसद हैं। ऐसे में जहां BJP 2 सीटें छोड़ रही है, तो वहीं LJP और RLSP को एक एक सीटें छोड़नी होंगी। हालांकि ये फॉर्मूला JDU को शायद ही स्वीकार हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो बिहार में NDA का प्रमुख दल बनना चाहती है और बिहार में ज्यादा सीटों की उम्मीद कर रही है। अब BJP के सामने समस्या ये है कि वो किसी भी हाल में JDU को नाराज नहीं करना चाहती है। अगर फॉर्मूला नंबर 1 फेल होता है तो BJP को 4 सीटें छोड़नी पड़ सकती हैं। हालांकि ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इससे BJP के भीतर ही समीकरण गड़बड़ा सकते हैं और कुछ लोग नाराज भी हो सकते हैं। उधर LJP और RLSP को भी अपनी सीटें छोड़ने के लिए मनाना आसान नहीं होगा। बात करें कुछ प्रमुख सीटों की, तो दरभंगा सीट BJP छोड़ सकती है। ये सीट BJP के निलंबित सांसद कीर्ति आजाद की है। अब चूंकि राष्ट्रीय नेतृत्व की नज़र में आजाद की छवि अच्छी नहीं है, ऐसे में BJP इस सीट पर दोबारा विचार कर सकती है। उधर पटना साहिब सीट से BJP के शत्रुघ्न सिन्हा सांसद हैं, जिनके संबंध पार्टी नेतृत्व के साथ ठीक नहीं है। ऐसे में 2019 के लोकसभा चुनावों को लेकर इस सीट पर BJP नेतृत्व की नजर है। वहीं बेगूसराय सीट पर आजादी के बाद BJP ने पहली बार 2014 में जीत दर्ज की थी, लेकिन मौजूदा BJP सांसद भोला सिंह 82 साल के हो गए हैं और उनकी उम्र को देखते हुए अगले चुनाव में BJP इस सीट पर भी विचार कर सकती है। मधेपुरा सीट पर इस बार शरद यादव महागठबंधन की ओर से उम्मीदवार हो सकते हैं। ऐसे में JDU उनके खिलाफ उम्मीदवार उतार सकती है। वहीं जहानाबाद सीट पर RLSP, JDU और BJP तीनों पार्टियों की नजर है। RLSP के अरुण कुमार ने 2014 में ये सीट जीती थी, लेकिन अब उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली है। लेकिन NDA के घटक दलों के बीच सीटों को लेकर सहमति बनेगी या फिर इनमें से कुछ दल महागठबंधन से जुड़ जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और अब देखिए नेशनल टॉप 5 खबरें, उसके बाद लेंगे छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद देश की बात को आगे बढ़ाएंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं। यहां उन्होंने गोरखपुर से दिल्ली के लिए हवाई सेवा की शुरुआत की। योगी ने गोरखपुर से दिल्ली के लिए इंडिगो की फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। समाजवादी सेकुलर मोर्चे के ऐलान के साथ ही शिवपाल यादव सक्रिय हो गए हैं। सोमवार को इटावा पहुंचने पर उनके घर पर उनसे मिलने वालों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। उनसे मिलने वाले ज्यादातर लोग पुलिस के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंचे थे। लोगों की शिकायत सुनने के बाद उन्होंने जिले के DM और SP से मिलने का फैसला किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साइप्रस पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान राष्ट्रपति कोविंद ने अपने संबोधन के दौरान दोनों देशों के इतिहास और संघर्ष के बारे में बताया।
इस वर्ष मानसून के मौसम में अब तक 10 राज्यों में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की वजह से 1400 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इनमें केरल में जान गंवाने वाले 488 लोग शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने सोमवार को ये जानकारी दी। सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में लगातार चौथे दिन गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी जोरदार गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 333 अंकों की गिरावट के साथ 38,313 पर और निफ्टी 98 अंकों की गिरावट के साथ 11,582 पर बंद हुआ। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में आतंकियों ने जिस तरह से पुलिस कर्मियों और उनके परिजनों को निशाना बनाया है, उसके बाद से सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर ली है। घाटी में सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चला रही है। सुरक्षा बलों ने पुलवामा और शोपियां जिले के कई गांवों में एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाया है। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया है। जवान घाटी के 14 गांवों की सघनता से तलाशी ले रहे हैं। इन गांवों में आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद सुरक्षा बल घर घर जाकर तलाशी अभियान चला रहे हैं। इस व्यापक सर्च ऑपरेशन में सेना के अलावा सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी शामिल हैं। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर जहूर ठोकर और मंजूर कार के पैतृक गांव में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर सुरक्षा बलों ने कासो चलाया है। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के पकड़ने के इस अभियान से बौखलाए अलगाववादियों ने सुरक्षा बलों पर पथराव कर दिया। इससे पहले रविवार को शोपिया में सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। शोपिया में कई आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इससे पहले बांदीपोरा के जंगल में छिपे आतंकियों के खिलाफ अभियान चलाया गया था। अभियान करीब एक हफ्ते बाद खत्म हो गया। इस अभियान में 3 आतंकी ढेर किए गए थे, जबकि एक जवान शहीद हुआ था। घाटी में सुरक्षा बलों की कड़ी कार्रवाई से बौखलाए आतंकी अब पुलिस कर्मियों और उनके परिजनों को निशाना बना रहे हैं। आतंकियों ने जवानों के परिजनों का अपहरण कर लिया था और बाद में धमकी देकर उन्हें छोड़ा था। इसके बाद से ही सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर ली है। घाटी में सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उधर वित्तीय साल 2018-19 की पहली तिमाही में 3 साल के सबसे ज्यादा विकास दर के बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने दावा किया है कि बीते 3 साल में अर्थव्यवस्था में दर्ज हुई गिरावट के लिए रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जिम्मेदार हैं। राजीव कुमार के मुताबिक वित्तीय साल 2018-19 की पहली तिमाही से पहले लगातार 9 तिमाही में दर्ज हुई गिरावट आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन की आर्थिक नीतियों की देन थी। राजीव कुमार ने नोटबंदी के फैसले के लिए मोदी सरकार की पीठ थपथपाई है और कहा है कि इसके अच्छे नतीजे आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं और मिल रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बार फिर से एक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये दौर नीति आयोग ने शुरू किया है। अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय अपने पूर्ववर्तियों पर इस तरह के आरोप लगाकर बचने की ये कोशिश हो सकता है कि 2019 में भारी पड़े। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन पर इशारों में निशाना साधते हुए नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने पिछले सालों में विकास दर में आई गिरावट के लिए जिम्मेदार बताया। राजीव कुमार ने कहा कि रघुराम राजन की नीतियों की वजह से एनपी लगातार बढ़ रहा था और विकास दर घट रही थी। इसका सबसे जो ऊंची थी वो 9.2 थी जो 2016 में 2015 में थी और उसके बाद 6 क्वार्टर तक लगातार कम हो रही थी। ये एक ट्रेंड था जो कि 5.6 पे आके रुका। और ये ट्रेंड क्यों हुआ, वो इसलिए हुआ कि उस दौर में जितने भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे वो बढ़ के 4.5 करोड़ से बढ़ के वो 10 लाख करोड़ सामने आ गए और उनकी धरपकड़ शुरू हुई और इसलिए बैंकों की क्रेडिट देने की क्षमता बिल्कुल ख़त्म हो गई। ग्रोथ कम हुई, वो डिमोनेटाइजेशन के असर से नहीं कम हुई, वो कम हुई हमारी अर्थव्यवस्था को मध्यम गति में पहुंची जब हमारी मध्यम गति में, और वो हुई हमारी बैंक की बुरी हालत से जो कि हमें धरोहर में मिली थी। बकौल राजीव कुमार, एनपीए बढ़ने की वजह से बैंकिंग सेक्टर ने इंडस्ट्रीज को उधार देना बंद कर दिया।
मझोले और छोटे उद्योगों का क्रेडिट ग्रोथ नेगेटिव में चला गया। बड़े उद्योगों के लिए भी ये 1 से 2.5% तक गिर गया। भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में क्रेडिट में आई ये सबसे बड़ी गिरावट थी। हालांकि कांग्रेस ने बयान को पूरी तरह खारिज कर दिया। पार्टी ने कहा कि सरकार बंदी को सही साबित करने की गलत कोशिश कर रही है। सीधी वजह है कहने की क्यों हमारे जो बैंक अकाउंट जो हमारे इनकम टैक्स रिटर्न है वो इतने ज्यादा बढ़ गए कि 3.5 करोड़ से अब 6.8 करोड़ हो गए और 7 करोड़ होने को आए। 6th pay commission में भी तनख्वाहें बढ़ी थी और उस समय तो टैक्स रिटर्न नहीं बढ़ गए थे। ये उलूल जुलूल बात है। तो हर तरह से अगर देखा जाए तो डिमोनेटाइजेशन का असर बहुत ही पॉजिटिव हुआ है कि डिमोनेटाइजेशन के खिलाफ बात करने वाले वही लोग हैं जिनको कि खुद इसका नुकसान हुआ है और जो ये नहीं चाहते कि हमारी अर्थव्यवस्था में सफाई, पारदर्शिता और ईमानदारी आए। देखिए, आप जिम्मेदारी को दूसरों पर टालने की कोशिश हो रही है। रघुराम राजन किस शैली के और किस कैलिबर के लीडर ब्यूरोक्रेट हैं ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, और उनके ऊपर इस तरह की जिम्मेदारी डालना, चूंकि उन्होंने तो ज़माने में भी एतराज़ किया था, आज वो एतराज़ जो है उनका सही साबित हो रहा है, तो उन्हीं पर जिम्मेदारी डाल दी, जो बोले वही कुंडी खोले। RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन अपने कार्यकाल के दौरान भी निशाने पर थे। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी उनकी काबिलियत पर कई बार सवाल उठा चुके हैं। राजन ने मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि नोटबंदी का लंबे वक्त में होने वाला फायदा तुरंत होने वाले नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। GST को बेहतर बनाने में जुटी मोदी सरकार प्रचार करने में भी पीछे नहीं है। सरकार ने GST के प्रचार प्रसार करने पर 132 करोड़ 38 लाख रुपए खर्च किए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत काम करने वाली एक एजेंसी ने एक RTI के जवाब में ये जानकारी दी है। जानकारी के अनुसार सरकार ने पत्र पत्रिकाओं में GST के विज्ञापनों पर करीब 1 अरब 27 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो यहाँ 0 खर्च बताया गया है। इसे लागू करने से पहले केंद्र सरकार ने नए टैक्स सिस्टम को लेकर मीडिया में जागरूकता अभियान चलाया था। केंद्र सरकार ने बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को GST का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। बतौर ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ ने GST को प्रमोट किया और लोगों को इसके फायदे बताए और इसके लिए उन्हें कड़ी और बड़ी फीस दी गई। उधर देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। पेट्रोल डीजल के दाम कम होने का नाम नहीं ले रहे। सोमवार को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 31 पैसे महंगी होकर 79.15 रुपये हो गया। डीजल 39 पैसे की वृद्धि के बाद 71.15 रुपये पर बंद हुआ। मुंबई में 31 पैसे महंगा होने के बाद पेट्रोल की नई कीमत 86.56 रुपये हो गया और डीजल के दाम में 44 पैसे की तेजी के बाद ये कीमत 75.54 रुपये प्रति लीटर हो गया। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग कम होने का नाम नहीं ले रही। सोमवार को दिल्ली में पेट्रोल की कीमतों में 31 पैसे का इजाफा हुआ, तो वहीं डीजल की कीमत भी 39 पैसे बढ़ गई है। दिल्ली में सोमवार को पेट्रोल की नई कीमत 79.15 रुपये तो डीजल की कीमत 71.15 रुपये पहुंच गई। इस नए रेट के साथ डीजल के दाम एक बार फिर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। मुंबई में पेट्रोल के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुके हैं। मुंबई में पेट्रोल 86.56 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है, तो वही डीजल भी 75.54 रुपये प्रति लीटर हो गया। कोलकाता में पेट्रोल 82.06 रुपये प्रति लीटर तो डीजल 74 रुपये हो गया है। घटता 1 रुपया है तो बढ़ते 5 रुपये, ऐसे होता है। किसी भी तरह से कोई राहत नहीं है किसी से। इफेक्ट तो पोल्यूशन पे भी पड़ेगा और माइलेज भी कम है कार की आती है, डे बाय डे पॉकेट में तो पिंच करता ही है। जनता परेशान है इससे, पेट्रोल से आए दिन पेट्रोल के दाम बढ़ते रहते हैं और चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। ऐसा गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए, खुद सरकार को सोचना चाहिए कि भाई इससे जनता परेशान है। जब से सरकार मोदी सरकार आई है तब से कम 10-10 बार रेट ऊपर नीचे हो रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते दामों के लिए गिरता रुपया और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें जिम्मेदार हैं। डॉलर के मुकाबले रुपये में लगातार गिरावट जारी है। कच्चा तेल भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहा है, इसके चलते तेल कंपनियों की लागत में इजाफा हो रहा है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के पीछे बाहरी कारक जिम्मेदार हैं और ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी का दौर अस्थायी है। आए दिन पेट्रोल बढ़ रहा है तो हम लोग को परेशानी हो रही है और हम लोग गरीब आदमी महंगाई में कहां तक के इधर पेट्रोल इतना महंगा बढ़वाते रहेंगे। कम बजट वाले हैं उनके। तेल कंपनियां डॉलर में भुगतान कर कच्चा तेल खरीदती हैं, ऐसे में रुपए के कमजोर होने से इन कंपनियों की लागत बढ़ जाती है।
इसके चलते कंपनियां अपने बोझ का खर्च ग्राहकों पर डालती हैं। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से लगने वाला टैक्स भी ईंधन की कीमतें बढ़ाने का काम करता है। निकिता अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर भीमा कोरेगांव मामले में सामाजिक कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों की गिरफ्तारी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने पुलिस की इस कार्रवाई पर हैरानी जताई कि जब मामला अदालत में विचाराधीन है तो पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को केस के बारे में जानकारी कैसे दे दी। पुणे पुलिस ने पिछले हफ्ते कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों की गिरफ्तारी के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को इस मामले पर महाराष्ट्र पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने गिरफ्तार कार्यकर्ताओं के पास से जब्त किए गए पत्रों से जुड़ी जानकारी मीडिया के साथ साझा की थी, जिस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कड़ी आपत्ति की है। बेंच ने कहा कि पुलिस ऐसा कैसे कर सकती है, अभी मामला विचाराधीन है। जब सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सीज किया हुआ है, ऐसे में सूचना उजागर करना गलत है। कोर्ट ने जांच एजेंसियों के काम के तरीकों को लेकर भी आश्चर्य जताया। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में कोर्ट ने कहा कि आप ऐसा कर नहीं सकते, व्हाई यू आर टेकिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड डिस्क्लोजिंग द नेम, इसके लिए कोर्ट ने ऐसा कहने के बाद स्टेट का यहाँ से कोई रिप्लाई आया नहीं, और इसके अंदर जो एक्यूज है उनकी तरफ से कोई एडवोकेट अपीयर हुए, ही इज क्लेमिंग दैट ही इज अपीयरिंग फॉर द एडवोकेट एक्यूज एडवोकेट बट ही हैज नॉट फाइल एनी वकालतनामा, सो ऑन हिज रिक्वेस्ट एंड स्टेट्स रिक्वेस्ट द मैटर हैज बीन एडजर्न ऑन द 7th, 7 तारीख को यह मैटर एडजर्न किया, अगले हफ्ते इसकी सुनवाई होगी। ये मैटर एनआईए को ट्रांसफर करना है कि नहीं करना है। जस्टिस एस एस शिंदे और जस्टिस मृदुला भटकर की बेंच सामाजिक कार्यकर्ता सुधीर गायकवाड़ की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में इस मामले की जांच एनआईए को सौंपने की भी मांग की गई है। पुलिस की तरफ से पेश पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि वो अदालत की सलाह के बारे में संबंधित अधिकारियों को जानकारी देंगे। इस मामले में अब 7 सितंबर को सुनवाई होगी। पिछले महीने की 28 तारीख को कवि और माओवादी विचारक वरवरा राव, वकील सुधा भारद्वाज, सामाजिक कार्यकर्ता अरुण फेरेरा, गौतम नवलखा और वेरदौन गोंजाल्विस को देश के विभिन्न शहरों से गिरफ्तार किया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सभी गिरफ्तार कार्यकर्ताओं को आगामी 6 सितंबर तक घर में ही नजरबंद रखने का आदेश दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर साध्वी प्रज्ञा सिंह और कर्नल श्रीकांत पुरोहित को गैर कानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम यानी यूएपीए के तहत आरोप तय किए जाने से फिलहाल राहत नहीं मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कर्नल पुरोहित से कहा है कि अगर वह इस मामले में स्टे लेना चाहते हैं तो उन्हें दोबारा अर्जी देनी होगी। कर्नल श्रीकांत पुरोहित ने गैर कानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम यानी यूएपीए के आरोपों से खुद को बरी किए जाने के लिए याचिका लगाई थी। कर्नल पुरोहित की दलील थी कि एनआईए ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सेना से अनुमति नहीं ली थी, इसलिए उन्हें बरी किया जाए। शनिवार को इस मामले में आरोप दाखिल किए जाएंगे और इसी दिन हाईकोर्ट स्टे देने पर भी सुनवाई करेगा। मालेगांव ब्लास्ट 2008 में जुड़े इस मामले में आरोपी कर्नल पुरोहित के खिलाफ एनआईए की कोर्ट में 5 सितंबर को सुनवाई होनी है। पिछले साल मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी कर्नल श्रीकांत पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी। शराब कारोबारी विजय माल्या को मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट से राहत मिली है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से उनके खिलाफ दायर एक अर्जी का जवाब देने के लिए कोर्ट ने माल्या को 3 और हफ्ते का समय दे दिया है। ईडी की इस अर्जी में माल्या को आर्थिक भगोड़ा घोषित करने की मांग की गई है। माल्या ने कोर्ट में अर्जी देकर जवाब देने के लिए कुछ वक्त मांगा था। माल्या को अब जवाब देने के लिए कोर्ट ने 24 सितंबर तक का वक्त दिया है। इससे पहले 27 अगस्त को हुई सुनवाई में 3 सितंबर की तारीख तय की गई थी। इसी कोर्ट ने 30 जून को माल्या को पेश होने के लिए भी कहा था। किंगफिशर एयरलाइंस का मालिक विजय माल्या कई बैंकों से करीब 9,990 करोड़ रुपए का लोन लेकर फरार है। फिलहाल माल्या लंदन में है और वहां उसके खिलाफ भारत प्रत्यर्पण का केस चल रहा है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग को न केवल फटकार लगाई है बल्कि भारी जुर्माना भी लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका के लंबित होने की बात कहकर अदालत को गुमराह करने के लिए आयकर विभाग को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि सुप्रीम कोर्ट कोई पिकनिक स्पॉट तो नहीं है। जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने विभाग पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और कहा कि वह इस बात से हैरान है कि आयकर आयुक्त के जरिए केंद्र ने मामले को इतने हल्के में ले लिया है। इस बेंच में जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस दीपक गुप्ता भी शामिल थे। कोर्ट ने कहा कि क्या आप इस तरह से भारतीय सुप्रीम कोर्ट से बर्ताव करते हैं।
पीठ ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट से इस तरह से पेश नहीं आ सकते। कोर्ट ने यह भी कहा कि गाजियाबाद के आयकर आयुक्त की ओर से दायर एक याचिका में विभाग ने कहा है कि 2012 में दी गई एक उसी तरह की अर्जी अब भी अदालत में लंबित है। बेंच ने स्पष्ट किया कि विभाग जिस मामले को लंबित बता रहा है उसका फैसला तो सितंबर 2012 में ही हो गया था। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने खुली अदालत में ये कहा है कि एक खास केस से संबंधित, जो कि होटल रॉयल प्लाजा से संबंधित था, उस मामले में उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की गई थी। जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंच 30 अगस्त को कोर्ट रूम नंबर 8 में सुनवाई कर रही थी जब यह खुलासा हुआ। जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि जज को प्रभावित करने का प्रयास अदालत की अवमानना है। खुलासे के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने जस्टिस बनर्जी से अनुरोध किया कि वह सुनवाई से खुद को अलग नहीं करें क्योंकि इसका दूसरे इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्टिस बनर्जी ने भी सुनवाई के दौरान कहा कि कभी कभार बार के वरिष्ठ सदस्य भी मुलाकात के दौरान लंबित मामलों पर चर्चा शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा कि अदालत को प्रभावित करने की किसी भी कोशिश को गंभीरता से ही देखा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि किसी ने उन्हें टेलीफोन किया था, हालांकि स्पष्ट नहीं है किसने कॉल किया था। पीठ ने इसके बाद मामले पर सुनवाई की और अपना फैसला बाद में सुनाने की घोषणा की। मथुरा वृंदावन से लेकर पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची हुई है। कृष्ण मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु कतारों में लगकर लड्डू गोपाल के दर्शन कर रहे हैं और हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की का जय घोष हो रहा है। कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में भी जन्माष्टमी की धूम है। इस मौके पर दर्शन के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु मथुरा वृंदावन ब्रज के दूसरे धर्म स्थलों की ओर उमड़े हैं। वहीं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में प्रसिद्ध दही हांडी के आयोजन दिख रहे हैं। आप इन तस्वीरों में पूरे देश में कैसे उत्साह है, उमंग है कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर, उसके कुछ नज़ारे देख सकते हैं। और यदि कृष्ण को याद करें तो कई रूप याद आते हैं। उसमें खास रूप है ज्ञान देने का। गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने ही दिया, लेकिन आज उसी कान्हा की नगरी में मथुरा में बच्चों के लिए ज्ञान प्राप्त करना किसी जंग लड़ने से कम नहीं है। सचमुच भगवान कृष्ण के घर में शिक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है, ये एक काली सच्चाई है। देखिए इस रिपोर्ट में। किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। भगवान कृष्ण ने दुनिया को दिया था गीता का ज्ञान, लेकिन उसी कान्हा की नगरी मथुरा में आज पसरा है अज्ञानता का धीरा। भगवान कृष्ण की नगरी में आज शिक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे है। शिक्षा की दुर्दशा की ऐसी तस्वीर शायद ही आपने पहले कभी देखी होगी। दरअसल ये नजारा है मथुरा के गोवर्धन कस्बे के पूर्व माध्यमिक स्कूल का। इस स्कूल के सामने कूड़े का अंबार लगा रहता है और ये स्कूल किसी कूड़े घर की तरह नजर आता है और कूड़े की बदबू की वजह से बच्चे यहाँ आना नहीं चाहते। हाल यह है कि स्कूल में 34 बच्चों का दाखिला हुआ है, लेकिन महज 14 से 15 बच्चे ही स्कूल आते हैं। गंदगी की वजह से आपने मुंह बंद कर रखा है? हाँ। तो जब पढ़ते होंगे जब क्या हाल होता होगा तुम्हारा? आपने टीचरों से नहीं कहा? हाँ। तो क्या कहते हैं टीचर? कहते हैं करवाएंगे, वैसे स्कूल के अंदर के हालात अच्छे नहीं है। स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हो रही है, बच्चों के बैठने के लिए यहाँ बेंच और डेस्क तक नहीं है, जमीन पर बैठकर बच्चे पढ़ते हैं। जब हम स्कूल का जायजा लेने के लिए पहुंचे तो यहाँ महज एक ही शिक्षिका मौजूद थी। ऐसे में कक्षा 6, 7 और 8 के बच्चों को साथ बिठाकर साथ में पढ़ाया जा रहा था। अच्छा ये बताओ, देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? और मुख्यमंत्री का है? मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता? अच्छा राष्ट्रपति जी का बता दीजिए। प्रधानमंत्री जी का क्या नाम है? मुख्यमंत्री जी का नाम। और अब देखिए ये तस्वीर है विकासखंड गोवर्धन के नगला उम्मेद के प्राथमिक स्कूल की। यहाँ एक प्रिंसिपल, एक सहायक शिक्षक और एक शिक्षा मित्र तो तैनात है, लेकिन इस प्राथमिक स्कूल की सबसे बड़ी विडंबना है कि यहाँ पढ़ने के लिए एक भी छात्र नहीं है। पिछले 2 सालों से इस स्कूल में एक भी छात्र का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। दुनिया को गीता का ज्ञान देने वाले भगवान की कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में शिक्षा की दुर्दशा बताती है कि हमने अपने पुराने गौरव को भुला दिया है और सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। यह स्थिति सरकारी स्कूली व्यवस्था के लिए बड़ी चेतावनी है। कन्हैयालाल, APN, मथुरा। तो ये वो तस्वीर है जिसे सुधारने की जरूरत है, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी भी होती हैं जो बेहद खूबसूरत होती हैं। तो आज कुछ ऐसी ही तस्वीर, खबर अच्छी है।
कहते हैं कि इच्छा शक्ति मजबूत हो तो सभी बाधाएं पार की जा सकती हैं। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है हरिद्वार के बहादुराबाद के एक महिला प्रधान ने, जिन्होंने पहली बार ही प्रधान बनने के बाद सालों से जर्जर पड़े राजकीय प्राथमिक विद्यालय की तस्वीर ही बदल डाली। देखिए इस खास रिपोर्ट में। बहादुराबाद स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय पहले ऐसा नहीं था। तमाम दूसरे सरकारी स्कूलों की तरह यहाँ भी गंदगी का अंबार था, लेकिन एक महिला की दृढ़ इच्छा शक्ति ने न सिर्फ स्कूल का कायाकल्प कर दिया बल्कि उन लोगों को नसीहत भी दी जो सरकारी मदद की आस से हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। हरिद्वार के गांव बहादुराबाद के प्रधान पिंकी जाटव ने अपने प्रयासों से खंडहर में तब्दील हो चुके राजकीय प्राथमिक विद्यालय को न सिर्फ स्वरूप बदल दिया बल्कि स्कूल में बुनियादी जरूरतों और संसाधनों की मौजूदगी भी सुनिश्चित की। यह विद्यालय हमने ग्राम प्रधान निधि से और कुछ स्वयं की भी निधि से हमने इसका निर्माण कराया है। महिला प्रधान की कोशिशों से गांव के बच्चों में पढ़ने को लेकर ललक पैदा हुई। अब पहले से ज्यादा बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल आ रहे हैं। कूड़े के ढेर की जगह स्कूल के आसपास अब सफाई है। ये स्कूल बहुत अच्छा है, इसमें गंदगी नहीं है। जब भी गंदगी रहती है तो यहाँ उठा के डस्टबिन में डाल देते हैं। पहले तो हम चटाई में भी बैठते थे, अब तो हमारी नई नई सीटें भी बनी है। हमें बहुत अच्छा लगता है हम यहाँ पर पढ़ते हैं, यहाँ पर क्योंकि सारी सुविधाएं, पानी की सुविधा, हमारे सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ये विद्यालय 6 साल से बिल्कुल जर्जर अवस्था में से, यहाँ पे पूरा कूड़े और गंदगी का ढेर था। 6 साल से बिल्कुल अधूरा पड़ा हुआ विद्यालय था। इसमें फिर जो है काफ़ी प्रधान जी का भी सहयोग मिला, काफ़ी प्रयास से हम लोगों ने विद्यालय को आज इस स्थिति में बनाया। 65 बच्चों वाले इस स्कूल को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कुछ वक्त पहले यहाँ गंदगी और अव्यवस्था का अंबार था। सरकारी सिस्टम को दोष देकर संबंधित अधिकारी और विभाग पल्ला चाड़ लेते, लेकिन ग्राम प्रधान पिंकी ने लोगों को समझाया कि हर चीज के लिए सरकार के भरोसे बैठने की जगह आगे बढ़कर पहल करने की जरूरत है, क्योंकि सवाल नौनिहालों के भविष्य का है। हिमांशु चौहान, KPN, हरिद्वार। और चलिए अब देख लेते हैं कि इतिहास के पन्नों में 3 सितंबर क्यों खास है। दरअसल 3 सितंबर साल 1940 में आज ही के दिन बॉलीवुड के प्रसिद्ध संगीतकार प्यारेलाल रामप्रसाद शर्मा का जन्म मुंबई में हुआ था। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ इनकी जोड़ी काफ़ी हिट हुई और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी से ये लोग मशहूर हुए। 1964 में दोस्ती में दिए गए संगीत ने इन्हें प्रसिद्धि दिलाई थी। सावन का महीना, दिल विल, प्यार व्यार और बिंदिया चमकेगी जैसे गीतों में उन्होंने संगीत दिया। और साल 1967 में आज ही के दिन सड़क पर दाहिनी ओर से गाड़ी चलाने की शुरुआत हुई थी, यानी 3 सितंबर 1967 में सड़क पर दाहिनी ओर से गाड़ी चलनी शुरू हुई थी। इससे पहले बाएं हाथ की तरफ से वाहनों का आवागमन होता था। इसका कारण था कि स्वीडन के पड़ोसी देशों से सालाना 50 लाख वाहन उससे होकर गुजरते थे जो राइट साइड ड्राइविंग करते थे, लिहाजा दुर्घटनाएँ बहुत तेज होती थी। और इसे देखते हुए स्वीडन ने रातों रात वाहन चलाने का नियम। आज देश की बात में बस इतना ही। एक बार फिर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों बधाइयां आपको। आप जुड़े रहिए पिन से। नमस्कार।